नमस्कार आदाब सलाम, मैं अपने एक नए बच्चे के साथ में, आपका नाम है अनस रियाज। मैंने अनस रियाज से पूछा कि अनस रियाज आपका नाम ये है, बीच में रियाज कहाँ से आ गया? तो आपने कहा कि मेरे अपने गार्जियन ने नाम रखा है, पर मुझे ये नहीं पता, घर में कोई रियाज भी नहीं है और रियाज नाम रखा गया है, साथ में नाम जोड़ा। मैंने कोई बात नहीं, दोनों नाम इस्लाम से अटैच हैं और बेटर हैं, बहुत प्यारे नाम है। अनस रियाज बहुत ही शांत स्वभाव के मेरे पास में हैं, बहुत कम बोलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। मेरे बच्चे ऐसे भी आते हैं, बहुत बोलते हैं। मेरे बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं। मेरे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ ओनली पढ़ाई किया, अच्छी तरबियत से भी आते हैं। तो अपने जो अनस रियाज हमेशा खामोश रहने वाले और अच्छी तरबियत के साथ में, आज मुझे मौका मिला उनसे बात करने का। अनस रियाज बताइए अपने बारे में कोई दो तीन बातों को। सर मुझे खुशी हो रही इस बात की कि आज मुझे बोलने का मौका मिला है। सर अल्हम्दुलिल्लाह गुड। सर आपने सवाल बहुत अच्छा किया, अपने बारे में तीन बातें बताइए। गुड। सर मेरा नाम अनस रियाज है, मेरे अब्बू का नाम अहमद हुसैन, मैं मोहल्ला सरदार कॉलोनी में रहता हूँ। वाह भाई वाह, गुड। अनस रियाज आप कितना पढ़े बेटा? सर मैं इंटर। इंटर पढ़े हुए? हाँ। पूछ जाएंगे कि इंटर साइंस साइड से या आर्ट साइड से? सर मेरा साइंस साइड से। माशाल्लाह, तो उसे बायो ग्रुप था या मैथ ग्रुप था इसके? सर बायो ग्रुप। वेरी गुड। फिर से पूछेंगे इसी में कि अनस रियाज, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। अनस रियाज आपको आपको क्या लगता है कि अनस रियाज की आपको जो बायो किया है उसे पकड़ है आपके बायो विषय के ऊपर, मतलब उस विषय पे पूरा अच्छे से बोलिएगा, मतलब बायो विषय पे ऐसे आपने करा है, इंटर किया है, तो उससे पकड़ है विषय के ऊपर अपनी? सर रही बात बायो विषय पर पकड़ होने की बात, तो सर ध्यान तो सभी देते हैं, लेकिन सर कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा ध्यान देते हैं सर, कुछ होता है जो मतलब कम ध्यान लगाते हैं सर, दोनों बातें होती हैं इसमें। ठीक, जवाब मिल गया। आपकी लाइफ में पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है? सर मेरी लाइफ में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, सर जैसे ज़िंदगी जीने के लिए सांसों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से इस दौर में पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है हमें। जिस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए सांसों की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ही ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया, प्यारा जवाब। मुझे फर्स्ट टाइम जवाब मुझे ऐसा मिला है हमारे इस करियर के अंदर, किसी बच्चे ने बोल पाया, मुझे अच्छा लगा। आपने फिरदौस कंप्यूटर क्यों ज्वाइन किया अनस रियाज? सर इसके लिए मेरा एक छोटा सा जवाब रहेगा सर, जैसे कहते नहीं है सर, एक बेहतर होता है, एक बहुत बेहतर होता है। एक बेहतर, एक बहुत बेहतर, हम आपकी बात तक पहुंच रहे हैं। आपने फिरदौस कंप्यूटर को एक बेहतर, एक नहा बेहतर, इसी चीज़ को ज्वाइन करते हुए आपने फिरदौस कंप्यूटर को इंतखाब किया। वेरी गुड सर, समझने वाले समझ जाएंगे इस बात को। समझने वाले, वेरी गुड। ओके, आप अपनी पढ़ाई कितने ईमानदार है? सर रही बात ईमानदारी का सर, मगर अगर ईमानदारी बच्चे में नहीं है सर तो पढ़ाई बेकार है सर। वाह भाई वाह, ईमानदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए सर। वाह भाई वाह, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे इस टाइम पे फीलिंग वही हो गई, दूसरी सोच में हो गई है। ठीक है, माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं अपने आप? सर रही बात माँ बाप की, तो सर माँ बाप से मोहब्बत इतनी भी कर लें, लेकिन उनका कर्ज हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। आपने हर बातों को एक नए तरीके से बताया है, आप बनना क्या चाहते हैं? सर बनने के बारे में कोई मैं सर मतलब कंफर्म नहीं किया है सर, फिलहाल आगे कोशिश मेरी जारी है सर, आपको अगले में जवाब देंगे सर आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। लास्ट क्वेश्चन मुकम्मल, आप खुद से कितना ईमानदार है? सर रही बात खुद से ईमानदारी की, तो ईमानदारी में कोई ज़र्रा बराबर सुबह भी नहीं, मतलब सुबह नहीं होनी चाहिए सर। अगर सुबह है तो सर आपकी ईमानदारी नहीं है आपके पास। ईमानदारी में कोई ज़र्रा बराबर कोई शुबा नहीं होनी चाहिए, और इसको एक्सप्लेन कर, अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो भी ईमानदारी की लिमिट शो हो जाएगी। क्या बात है सर, जैसे मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ इस हद तक, तो एक्सक्यूज मी आपने हद शो कर दिया है। हद शो कर दी ना आपने, तो आपने हद शो कर, मैं उस हद तक कर दूं कि उसकी हद कोई शो ही नहीं है, शो ही नहीं है सर। क्या बात, क्या बात, बड़ा अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मिलते एक नए बच्चे के साथ में। अनस रियाज ने बहुत प्यारा जवाब दिया, बड़े अच्छे अंदाज में। थैंक यू।